केयूर भाई ने ये अपना जावा बुक किया है, जावा 42, ठीक है। कितने बना था? 5,000 बोले थे ना, 5,000। 3 मार्च को पेमेंट किया, थर्ड मार्च को पेमेंट किया। 3 मंथ्स के बाद डिलीवरी मिलेगा, बट अभी भी 6 महीने के बाद बोल रहे हैं। बट इंटरसेप्टर मुझे थोड़ी प्रॉमिसिंग लगती है, तो अब आज दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, जावा का और इंटरसेप्टर का। अरे जावा ठीक है, अच्छी दिखती है और एक ब्रांड है, बट जो इंटरसेप्टर का इंजन है 650 इंजन, 3 लाख में कौन दे रहा है भाई? अप्रोच एक्चुअली मुकेश भाई और जो अंबा मोटर्स के ओनर है वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हमने ये बाइक मंगवाया था मुकेश भाई के जिम पे टेस्ट राइड के लिए, बट फिर जो हमारे केयूर भाई है वो बोले नहीं शोरूम पे चलते हैं। आज 650 GT, आज GT मॉडल है, क्रोम इंटरसेप्टर। ऑफिस हेलमेट में वो फीलिंग ही नहीं आती ना हेलमेट, वो तो है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एकदम रेड एंड व्हाइट। तो अभी रॉयल एनफील्ड का शोरूम हो, ये क्या बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव हो गया। मुकेश भाई कैसी लगी आपको? एकदम बेस्ट। आपके पास 500? तू जावा टेस्ट ड्राइव करके आए 2-3 बार उससे पावर ज्यादा लगा ना वैसे 600 cc और 300 cc। ठीक है, अब सीधा चलते हैं जावा शोरूम पे। हैव कम टू जावा शोरूम और उसके बिल्कुल बगल में ही MG मोटर्स है। ये रहा MG मोटर्स। आज हेक्टर देखने का कोई चांस नहीं है, कोई मूड नहीं है, आज सिर्फ जावा का काम करेंगे कि जावा लेना है या इंटरसेप्टर लेना है। तो
चल भाई सचिन, अब सुन ना, सुन ना ले, सुन 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 ना, तेरे पास रॉयल एनफील्ड है ठीक है, और ना ही तूने जावा बुक किया है, तूने अभी इंटरसेप्टर चलाया और जावा चलाया, इंटरसेप्टर ठीक है, मतलब तेरे पास अगर बजट के हिसाब से, बजट के हिसाब से तो फिर बजट में तो इश्यू आएगा, मतलब ठीक है, अच्छी है, अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे बजाज एवेंजर चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अपने गुजराती में कन्वर्जेशन नहीं होगा, अभी थोड़ा हिंदी में कन्वर्जेशन होगा ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका, मुकेश भाई आपके पास रॉयल एनफील्ड है, बट बायस मत होना और ये बोलना कि आपको कैसी लगी, तो जावा कैसी लगी? लाइक सेम एवेंजर, हाँ वो हाइट कम है, वो तो मुझे भी सेम ऐसे ही लगा, पिकअप वाइज हाँ पिकअप कम लगा, बहुत कम लगा, मैंने फुल एक्सेलरेटर दिया, मुश्किल से 100 5000 दे के बैठा हुआ है, अभी तुझे आंसर क्या मिला, सच्ची सच्ची बोलना ठीक है तुझे, और बाहर वाले ने क्या बोला, जो वो तो 1 month तो ओनर बोल रहा है ठीक है, और मतलब कोई मैकेनिक जो था उसने क्या बोला, 2-3 महीना और लगेगा, लगेगा ना 3 महीना लगेगा ना, तुझे जब बुक कर रहा था मार्च में तो बोला था 3 महीने लगेंगे ठीक है, 3 महीने ऑलरेडी हो गए हैं और 3 महीने लगेंगे, और मैं तो कहता हूँ और 6 महीने लगेंगे, ये मैंने ना एक रिपोर्ट में देखा था ऑनलाइन, एक मैं तुझे दिखाऊंगा उसका अगर स्क्रीनशॉट मिलेगा तो, कि 6 महीना बुकिंग लेट कर दिया है जावा वालों ने ठीक है, और वो जब जैसे मिलेगा तो मैं तुझे भेज दूंगा, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इंटरसेप्टर लेनी है या जावा 350 लेनी, नहीं नहीं 350 नहीं, क्लासिक नहीं नहीं नहीं, क्लासिक 350 वो ओल्ड इंजन जो थे ना जावा रॉयल एनफील्ड के वो नहीं, बट जो ये 650 का इंटरसेप्टर का इंजन बनाया है वो अच्छा इंजन बनाया है, ट्विन सिलेंडर को ऑफर दी है, हाँ तो आपकी बाइक रख ले, मेरी बाइक रख ले, थंडरबर्ड 500